अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गन्नू मिलाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर सुनकर से होंगे। नए आने वाले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो सारी आप तक पहुँच सकें। और आज हमारी कसम फसल की लड़ाई है, तो अभी हमारे खेतों में तो जान जाएंगे कसों की कहते हैं गड़ियाँ वो पड़ी हुई हैं, वहाँ वहाँ मशीन लेके जा रहे हैं और वहाँ हम हाई कर रहे हैं। तो वहाँ शुरू की है इस तरह हम आए हैं और अभी आगे किनारों में जाना है। काम भी करना है, जो काम भी जरूरी है और अखलाक भी बहुत जरूरी है। तो इन शुरू होगी आप जो है अच्छा अखलाक दिखा सकते। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ की लड़ाई कर रही है और अभी हम आगे जा रहे हैं। और दोबारा क्या है, दोबारा उठाया गड्डी उठाई है, सफे की है और मशीन के अंदर डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सर में थोड़ी धूल सी पड़ गई है, ये करी का हमारी बाद में। और इस तरफ हमारी ये गंदम की फसल है और ये अभी हम सरसों की बुवाई कर रहे हैं। तो तकरीबन 10-15 दिन तक जो गंदम की फसल है उसको भी हाथ लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह तो लेट आए नहीं याद रखे अच्छा। तो अभी जी इस खेत में सरसों की गाई ख़त्म हो चुकी है, अभी उस ऊपर खेत में होगी। फिर उस ऊपर जो थोड़ा सा करीब ही है मामू लोगों के खेत हैं, इधर सरसों की गाई कहनी है। और शायद फिर नदीम आज आपके भी है सरसों जी 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 इंशाल्लाह वो आखिर में होगी ना मेरे ख्याल में। अभी आप आए हैं आखिर में, आपके आखिर में होगी। तो अभी चलते हैं जी ऊपर वाले खेत में। तो अभी चलते हैं, दोबारा मशीन जा रही है ऊपर वाले खेत में और मज़ा बहुत आ रहा है। रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है और गर्मी भी आज है और हलक भी थोड़ा खुश हो गया है। तो ये नदीम भाई काम से जान खिड़वा रहे हैं और इन आज हमने सही गड़वा काम करवाना है। इधर बेरी के दरख्त हैं मगर इनके साथ बेर नहीं पड़े, थोड़े थोड़े हैं मगर अभी तो रोज़ चल रहे हैं। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इनकी तरफ आएंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ा के भेर देखें, चेक करें। तो वो मशीन जा चुकी है, तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि फिर बंदे थे पत्थर एक मामे तक है। चलो तो अभी नदीम लोगों की गाय शुरू हो गई है और माशाल्लाह इसके मेरे कितने मोटे भेर ये चेक करें। माशाल्लाह ये चेक करें हाँ जी वो ये चेक कराएं जी। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद इंशाल्लाह इन पर हाथ साफ करेंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये खा तो ये जो खेत है ये नदीम लोगों का और ये जो हो गया ये ख्याल में आंधी आई है या कुछ हुआ है, तो इस वजह से ये फसल सारी गिरी हुई है। तो अभी मुझे सही तरह खोला नहीं जा रहा, तो अभी दोबारा हो गया शुरू।
दारू की साल बारिश मेरा था उसका नतीजा है माशाल्लाह। और वसीम भाई और मामू अच्छे अपनी तरह जान। और जब हम खेतों में आते हैं तो जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ती है चारों कोनों में, तो हमें हर तरफ अल्लाह ताला की तखलीक के जो रंग बिखरी हुई हैं वो हमें नज़र आते हैं। और बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन तखलीकार है और बेहतरीन रज़क है। तो किस तरह अल्लाह पाक ने इंसान के रज़क का बंदोबस्त किया हुआ है, ये सरसों, ये गंदम, मतलब चावल और भी जो फसलें हैं, वो किस तरह अल्लाह ताला ने अपने वक्त मुकर्र पर सारा जो निज़ाम है वो बहुत अच्छे और खुशनूद तरीके से फैलाया हुआ है। तो ये कांटे हैं जी, जिसे माली हमारे मकामी ज़ुबान में पोली कहते हैं, जो गंदम के अंदर होती है। तो ये चुप बहुत गंदी है, इससे बच कर निकलना है। और किस तरह ये बेरी के दरख्त, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन तख्लीक कार और बेहतरीन इज्जत वाला रब है। और बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा फख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के जैसे भी हैं गुनाहगार खताकार बंदे हैं और खत्मुल नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे हैं की उम्मती हैं। तो ये बात मेरे ज़हन में आई तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बहरहाल जी, तो इन खेतों में जो गाय थी वो तो मुकम्मल हो गई है, और अभी अंकल डीजल डाल रहे हैं ट्रैक्टर में। और फिर ऊपर उस तरफ खेत है मामू लोगों के, उधर जाना है, उधर गाई करनी है। तो इधर जो हमारे खेत है मामू के थे और अंदीम भाई के थे, तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाई मुकम्मल हो गई है और लोडिंग भी हो गई है। और अभी उस तरफ उस खेतों में उन खेतों में अभी गाई करनी है, जा रहे हैं नीचे वाले खेत में। तो बस ये आखिरी खेत रहता है, फिर उसके बाद ख़त्म। तो वो मशीन अभी आ रही है, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इधर से आएगी और उस इस वाले खेत में जाना है। तो अभी अब सब इधर छाँव में बैठे हैं। नदीम साहब सुना है गर्मी तो नहीं है ना उधर? ठीक काम है इधर अंदर ठंड थी। और ये वसीम साहब अभी मशीन थ्रेशर आ रही है तो नीचे वाले खेत में जाएगी, तो ये आखिरी खेत रहता है। अच्छा माशाल्लाह ये फसल ना नजर होगी जहाँ भी जो लगी हुई है, ये मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बैल बांध हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने नज़र बस से बचाएं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी इधर देर बैठते हैं, बहुत ठंडी छाँव में आराम करते हैं और फिर दोबारा थोड़ा सा आधे घंटे का काम रह गया। और बाकी इधर काम जोर शोर से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ गया हूँ और अभी मैं नहा कर बाहर निकला हूँ। तो अभी मैं जा रहा था तो मुझे मेरी नज़र पड़ी है, मेरे यहाँ से गुजर हुआ है तो मेरी नज़र पड़ी है इन अखबारों पर जो ढेर पर पड़ी हुई थी। तो एक मिनट पहले इनको निकालते हैं, जिसमें रोकमान रोटी फेंकने वाले कितने जाहिल लोग होते हैं जो फेंक जाते हैं। नंबर अल्लाह पाक का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुकद्दस हस्तियों का नाम लिखा होता है। और ये
बगैरत टहरों पर ये फेंक जाते हैं, तो एहतियात किया करें। मकसद मेरा पैगाम देना था, मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, मेरी अचानक नज़र पड़ गया, तो मैंने कहा चलें एक अच्छा पैगाम दें लोगों को, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए कि ये एहतियात किया करें। इनमें ये देखें यहाँ पर फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तो अभी ये हम भी इनकी कदर नहीं करेंगे मुसलमान होने के नाते, तो फिर कौन करेगा। हम तो नाम के बड़े मुसलमान बनते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो देखिए ये टहर में कितने पड़े हुए हैं, तो थोड़ी बंदे को खुद ही हया करनी चाहिए। सिर्फ नाम का ही मुसलमान नहीं बना, कोई अमली तौर पर मिसाल लेकर जिन्हें ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा उठाई हैं इस टहर से, तो जो फेंकने वाले हैं खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा सोचा करें। यूँ तो बड़े ऐसा बस के रसूल बनते हैं और ये हो गया वो हो गया, मगर ये देखें जब आप उनकी मुबारक हस्तियों की मुबारक नामों का इज्जत नहीं करेंगे, इनका तहफ़ नहीं करेंगे, इनका अदब नहीं करेंगे, तो आप कभी ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत में, बेशक आप जितने परहेजगार मुत्तकी हों। ठीक है, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा है थोड़ी मुझे गुस्सा भी है अभी आया हुआ है, तो खुदा रहा सोचा करें अपने लिए अल्लाह और रसूल के लिए कि आपने कल अल्लाह को मुँह दिखाना है, तो अभी इनको किसी महफूज जगह पर रखते हैं। तो व्लॉग के साथ साथ ये बातें भी चलती रहेंगी, और ये बातें अहम भी हैं, क्योंकि ये मामला न मेरा है ना आपका है ना और किसी का है, ये मामला उनका है जिनका मैंने कलमा पड़ा हुआ है, अल्लाह है अल्लाह का है और उनके प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उनके प्यारे जो हस्ती हैं सहाबा कराम हैं अहले बैत हैं तो उनका है। तो खुदा रहा सोचिए कर ये जो नाम है जिन कलमा पड़ा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुबारक हदीस हैं जो हमारे दिल में होनी चाहिए, वो आज कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो खुदा रहा को सोचा करें तो फेंकते वक्त, नहीं तो किसी महफूज जगह पर जहाँ मुकद्दस रखे जाते हैं वहाँ पर रख दिया करें, ताकि इन मुबारक हस्तियों के नामों की मुबारक आयात की हदीस की तोहीन ना होया करे। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो मेरे नई आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबके हामी गुना से रहूँ, तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट भी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले नए खूबसूरत व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें।